सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। मेरे भाई आज अपन लोग जानने वाले वन पीस के एक ऐसे कैरेक्टर जो कि इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है, ओडा ने किससे इंस्पायर्ड होकर के इस कैरेक्टर को बनाया, साथ ही साथ इसका जो डेविल फ्रूट है लव फ्रूट, इस डेविल फ्रूट का आइडिया ओडा को कहां से आया। जी हां, आज अपन लोग बात करने वाले वन पीस का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर बॉ हैनकॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, जिसने भी अभी तक क्रंची रोल के गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो जा करके पहले पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि कल जो इसका विनर अनाउंस होने वाला है। और साथ ही मेरे भाई, अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से जा करके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉ हैनकॉक किस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो बॉ हैनकॉक इंस्पायर्ड है डीसी यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत फीमेल कैरेक्टर्स में से एक, वंडर वुमन थे। डायना से इंस्पायर्ड है बॉ हैनकॉक का पूरा कैरेक्टर। इसका अगर तुम स्टोरी भी जानो ना, लगभग बॉ हैनकॉक के तरह ही है। मेरे भाई अगर तुम वंडर वुमन के बहुत बड़े फैन हो, तुमने इसकी मूवीज या फिर उसके कॉमिक्स पढ़ रखे हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वंडर वुमन बिलोंग करती है एक अमेजोन के एक आइलैंड से, जहां पर सिर्फ औरतें ही राज करती है, वहां पर कोई भी मर्द नहीं है। उसी तरह से अगर तुम यहां पर बॉ हैनकॉक का भी देखो, तो बॉ हैनकॉक भी बिलोंग करती है अमेजोन लिली आइलैंड से, जहां पर एक भी मर्द नहीं है, वहां पर सभी के सभी औरतें ही हैं। ये लोग जितने भी है सब मेल से जो है हेट करते हैं, और उसका रीजन बॉ हैनकॉक के पास्ट में हमें बता दिया जाता है। और अगर तुमने एनिमे देख रखा है तो मुझे जो है उसका पास्ट बताने की जरूरत नहीं है दोबारा से। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बिग मॉम पायरेट क्रू के बाद अगर कोई फीमेल पायरेट क्रू वन पीस के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है बॉ हैनकॉक का पायरेट क्रू, कूजा पायरेट्स। मेरे भाई अगर हम लोग बात करें बॉ हैनकॉक के डेविल फ्रूट की, तो बॉ हैनकॉक का जो डेविल फ्रूट है वो इंस्पायर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी के मेडियूसा नाम के एक फीमेल से, जो कि इतनी ज्यादा बला की खूबसूरत थी जिसे हर कोई लड़का जो भी देखता था ना वो उस पर फिदा हो जाता था। और यही चीज गॉडेस अथीना को पसंद नहीं आया, और उसने जो श्राप दे दिया मेडियूसा को कि जो भी तेरे को देखेगा वो पत्थर बन जाएगा। और यही सेम चीज अप्लाई होता है बॉ हैनकॉक के साथ, क्योंकि इसका डेविल फ्रूट इस प्रकार का है ना, जो भी लड़का या लड़की जो कोई भी है उसे देख करके उसके अंदर फीलिंग आता है भाई, वो इसको पत्थर बना सकती है, इसका डेविल फ्रूट वो पावर देता है। साथ ही साथ बॉ हैनकॉक के जो किक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अपने किक से पैसिफिस्टास को तो ऐसे ही डाउन कर सकती है, ये अपने एक किक से एक पैसिफिस्ट को आराम से उड़ा सकती है। इस चीज का नजराना हमें मरीन फोर्ड वॉर में अच्छे से हमें पता चल गया, जहाँ पर इसने दो पैसिफिस्टास को ऐसे मार के उड़ाया जैसे इसके बाएं हाथ का खेल है। अगर हम लोग इसके अलावा बॉ हैनकॉक के पावर के बारे में बात करें, तो बॉ हैनकॉक तीनों टाइप ऑफ हाकी में मास्टर है। वो एडवांस फॉर्म में यूज कर सकती है कि नहीं ये चीज का हमें नहीं पता, पर उसके पास तीनों टाइप ऑफ हाकी है, यहाँ तक कि उसके पास कॉन्करर हाकी भी है। अभी तक बॉ हैनकॉक को कॉन्करर हाकी यूज करते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके पास है, ये चीज ऑफिशियली कन्फर्म है। और तुम एक चीज अच्छे से जानते हो, जिसके पास कॉन्करर हाकी होता है वो फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है तुम अच्छे से जानते हो। और अभी जिस तरह से वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद हुआ रेवरी के बाद, अभी तो बवाल मचने वाला है। यहाँ पर तुम्हें एक चीज कह देना चाहता हूँ, कोबी जो है बॉ हैनकॉक को पकड़ने के लिए जा रहा है, ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ओडा ने एक और फोर शैडोइंग दिया था हमें, जो चीज शायद तुम लोगों ने ध्यान दिया नहीं होगा। फुजीतोरा भी कहीं पर जा रहा होता है किसी पायरेट को पकड़ने के लिए, वहां पर हमें जो साफ साफ पता नहीं चलता है, वहां पर ओडा ने एक फोर शैडोइंग दिया था, जिस शिप में फुजीतोरा बैठा हुआ था और वो आकाइनो से बात कर रहा था, वो सिर्फ जब समुद्र में जा रहे थे वहां पर एक सी किंग आया था। और सी किंग कहां पे पाए जाते हैं भाई, काम बेल्ट में। तो मेरे भाई काम बेल्ट के पास कौन रहता है, बॉ हैनकॉक का जो अमेजोन लिली आइलैंड। सो ऑब्वियसली बात है, ये हो सकता है कि फुजीतोरा ही बॉ हैनकॉक को पकड़ने के लिए जा रहे हो, और यहां पर हम लोग बॉ हैनकॉक वर्सेस फुजीतोरा की फाइट देख सकेंगे, और हमें यहां पर पता चल जाएगा कि आखिर बॉ हैनकॉक की ट्रू पावर क्या है। तो यहां पर तुम अंदाजा लगा लो कि बॉ हैनकॉक की जब वो वॉरलॉर्ड बनी थी तब उसकी बाउंटी 80 मिलियन बेरीज थी, अब तो वो वॉरलॉर्ड सिस्टम से हट चुके, तो उसकी बाउंटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। वैसे अगर मैं इसकी खूबसूरती की बात करूं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बॉ हैनकॉक उसके वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है। मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल की बात करूँ ना ही यहाँ पर मैं क्यूटनेस की बात करूँ, क्योंकि क्यूटनेस के मामले में निको रॉबिन को कोई नहीं पछाड़ सकता। हाँ अभी के टाइम पे यामाटो आ चुकी है, बट निको रॉबिन बहुत ज्यादा क्यूट है। एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसका जो डेविल फ्रूट अवेकनिंग होने वाला वो मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि ये किस टाइप का हो सकता है, मेरे को कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बॉ हैनकॉक अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग कर देती है
भाई ये मतलब क्या बोलूं, हो सकता था कि मरीन फोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स थे वो सबको जो है अपने लव बीम से पत्थर बना देती। मेरा भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता ये वीडियो और भी लंबा हो, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। और अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना लाइव एक्शन पे, जो मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि वहां पर क्रंची रोल का गिव अवे में किस तरह से पार्टिसिपेट करना वो चीज मैंने बता रखा है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी जो है पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि हो सकता है मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मैं गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट कर दूं। तो यार अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।